पब्लिक टीवी आपकी आवाज। कितने अभी तक दावेदार आपके सामने आए हैं महापौर के? अभी तक हमारे पास लगभग एक दर्जन दावेदार तो आ चुके हैं। इस बार की महापौर अपना होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 नहीं है। मुरादाबाद को लेकर क्या क्यों खास रणनीति रहेगी इस बार की? मुरादाबाद को लेकर रणनीति है और मुरादाबाद में आगे आने वाला मेयर मुराद में हम पूरी उम्मीद है। यहाँ से अभी कब तक फाइनल हो पाएगा? मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर जो है हमारा मेयर का जो है नाम घोषित हो जाएगा। भाजपा में से लगातार देखिए भाजपा का क्या काम है तो भाजपा वालों से आप पूछें। फाइट किससे मान के चल रहे हैं? हमारी फाइट किससे होगी? लोग तो हमसे भाई अपनी फाइट मान रहे हैं ना। 4 तारीख को समराबाद के लोग कांग्रेस को वोट देंगे। नगर निगम चुनाव को लेकर कांग्रेस की किस तरह की तैयारियां हैं मुरादाबाद में, इसी बात को जानने के लिए पहुंचे हैं हम महानगर अध्यक्ष अनुभव मेहरोत्रा के पास में। इनसे जानेंगे कि आखिरकार जो महापौर के जो प्रत्याशी हैं उन्होंने किस तरह की तैयारी की है और कितने आखिरकार अभी तक जो दावेदारों की लिस्ट आई है सामने उस पर हम विचार करेंगे। सर जानना चाहेंगे कितने अभी तक दावेदार आपके सामने आए हैं महापौर के? अभी तक हमारे पास लगभग 1 दर्जन दावेदार तो आ चुके हैं। आपने देखा भी हो कल हमारे राष्ट्रीय सचिव भी मुरादाबाद आए थे, तो हमारी जो नियंत्रण जो है सड़कों से लेकर लड़ाई हमने जारी रखी है अपनी और तैयारी जाहिर सी बात पूरी है। जो पार्टी हाईकमान को फैसला करना है, पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम सब कांग्रेस के लोग लड़ाएंगे। अच्छा पिछली बार महापौर पद के लिए कितने आवेदन आए थे? जो पिछली बार महापौर पद के लिए मेरे ख्याल से सिर्फ 7 आवेदन थे और कांग्रेस ने प्रदर्शन अच्छा करा था क्योंकि पार्षद के चुनाव भी अच्छे गए थे। हम 10 पार्षद जिता पाए थे, 18 नंबर 2 पे रहे थे। उम्मीद है इस बार की महापौर अपना होगा, ज्यादा से ज्यादा 5 बनेंगे। किस तरह की रणनीति है मुरादाबाद में? देखिए ये चुनाव सब जानते हैं कि सड़क से लेके विकास को लेके स्मार्ट सिटी का चल रहा है। मेन मुद्दा टैक्स का जो मुद्दा है, जो पब्लिक परेशान है आप भी जानते हैं कि आए दिन सर्वे, पहले कुछ वर्ष पहले सर्वे हुआ था, जो हालात हैं जानते हैं टैक्स को लेकर बहुत लोग परेशान हैं। तो वादा करेंगे कि मुरादाबाद में अगर कोई मेयर देते हैं तो हम सरकार में लड़ाई लड़ेंगे कि जो है टैक्स निजात मिलाई जाए, जनता को कम से कम टैक्स लगाया जाए, क्योंकि सुना अभी जो सर्वे चल रहे हैं लगातार उसमें लोग बहुत जो है अपने आप को ठगाव महसूस कर रहे हैं। मुरादाबाद को लेकर क्या क्यों खास रणनीति रहेगी इस बार की? मुरादाबाद को लेकर रणनीति है और मुरादाबाद में आगे आने वाला मेयर मुराद में हम पूरी उम्मीद है हम सब लोगों की मुरादाबाद में मेयर कांग्रेस का होगा इस बार। अच्छा अभी आपसी जो गुटबाजी थी कांग्रेस की मुरादाबाद में उसकी क्या स्थिति? हाँ गुटबाजी देखिए बहुत सारी जगह पर अलग अलग कोई नहीं होता, सब में समर्थकों के साथ आते हैं। आप कोशिश ना करें, कांग्रेस एक थी एक है और एक रहेगी। कांग्रेस का अगर 11 लोग जो है वो एक को लड़ेंगे सब मिलकर, ऐसा नहीं है एक और एक 11 होते हैं और 11 सब मिलकर लड़ेंगे। अच्छा मुरादाबाद में महानगर अध्यक्ष होने के नाते किस तरह का प्रत्याशी आप चाहते हैं? मैं तो जो प्रत्याशी आए वही जाहिर सी बात है सब जीतने के हिसाब से आए। पार्टी हाईकमान से कल बात हुई, जो अच्छा उम्मीदवार होगा जो जनता के लिए काम करेगा जनता के बीच रहे ऐसा प्रत्याशी चाहिए। और किस तरह से चुनाव उसका चयन किया जाएगा? चयन देखिए हर चीज जो नेता गणे तो अपने हिसाब से देखने का उन्होंने वार्ता भी करी है, अब उसका जो भी निचोड़ निकलेगा वो एक नाम का निकल आएगा जल्दी। तो यहाँ से अभी कब तक फाइनल हो पाएगा? मैं समझता हूँ 1-2 दिन के अंदर जो है हमारा मेयर का जो है नाम घोषित हो जाएगा। पार्षदों की क्या स्थिति रहने वाली है, कितने आवेदन आ गए पार्षदों? देखिए पार्षदों में तो लगभग अब तक 200-300 पर आवेदन आ चुके हैं, लेकिन उन्हें उनकी छटाई चल रही है, वो भी हम 1-2 दिन के अंदर जो है धीरे धीरे उस काम के अंतिम ओर आ रहे हैं, धीरे धीरे उसको भी अनाउंस कर देंगे। अच्छा लगता है कि मुरादाबाद में कितना विकास हुआ अभी आपको क्या लगता है? कोई जनक है कि मैं 100% हूँ तो 100% नहीं हो सकता। ये वार्ड है मुरादाबाद है, मैं समझता हूँ कमी होगी कहीं, मेरे अंदर भी कमी है, मैं भी कोई बात नहीं 2012 से लगातार पार्षद हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि जनता के जो भी इच्छाएं उन्हें पूर्ण करूँ, प्रयास रहता है आदमी का, लेकिन कुछ ऐसी होती है 2 साल बीच में माननीय लॉकडाउन के निकल गए तो उसमें किसकी गलती है? भाजपा वैसे लगातार देखिए भाजपा का क्या काम है तो भाजपा वालों से आप पूछें, जो हम गिर रहे हैं आप उसकी जिक्र क्यों नहीं करते? नहीं हम तो करने को तैयार, पूछ रहे 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए उसके जवाब क्यों नहीं देता कोई? कांग्रेस का राहुल गांधी ने पूछा था सवाल, उसका लगातार सवाल पूछ रहे हैं, उसका मिलना है जवाब, कहां मिलना है जवाब, ऐसे दिया जाता है। बहुत सारे कैंडिडेट सामने आ रहे हैं, फाइट किससे मान कर चल रहे हैं? हमारी फाइट किससे होगी? लोग तो हमसे अपनी फाइट मान रहे हैं ना, तो जीतेंगे पुराने चाह अच्छे वोटों से जीतेंगे। महापौर का प्रत्याशी हमारे बहुत अच्छे मत लेके आए हैं, जो भी चुनाव होगा एक तरफा ही चुनाव होने वाला, ये भी आप अंदाजा हो जाएगा आने वाले वक्त। समाजवादी है, बसपा है, भाजपा है, कहीं कोई फाइट में नहीं? देखिए सब पार्टी, मैंने कहा ना जितने दावेदार आते हैं कोई भी पार्टी वो सब जीतने की लड़ती है, ये जनता को तय करना है, जनता तय कर देगी आने वाली 4 तारीख को कांग्रेस जीतेगी लग क्या रहा है, 4 तारीख को समराबाद के लोग कांग्रेस को वोट देंगे।
ठीक है, ये थे हमारे साथ में अनुभव मेहरोत्रा जी, जिनकी सीधे तौर पर दावेदारी ये है कि 4 तारीख में जो भी मेयर का प्रत्याशी होगा वो कांग्रेस का जीत दर्ज कराकर अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाएगा। अब देखना होगा कि जनता किसके साथ जाती है। अपने सहयोगी के साथ मैं अंकित चौहान, पब्लिक टीवी मुरादाबाद। पब्लिक टीवी आपकी आवाज।